हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट, कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे ताकि आपके बेस्ट सब्जेक्ट आप चूज़ कर सको जब भी आपका एडमिशन फॉर्म आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आपका जरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का। तो ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर है थर्ड सेमेस्टर का। तो ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आपको तीन सब्जेक्ट कंपलसरी मिलेंगे। पहला मिलेगा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, फिर आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक मिलेगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये आपको तीन सब्जेक्ट मिलेंगे बीकॉम ऑनर्स के अंदर, जो कि कंपलसरी रहेंगे। जेनिकल एक्टिव की बात करें तो जेनिकल एक्टिव में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस का एक सब्जेक्ट है, बेल्ट मैनेजमेंट बीबीए का भी है, और एक सब्जेक्ट और दिया गया है, ये आप वाला, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आप देखना पड़ेगा ये ऑप्शनल रहता है क्या रहता है, ठीक है। फिर एईसी की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस आपका रहेगा कंपलसरी बीकॉम ऑनर्स के अंदर, 5 से 7 यूनिट तक आपका पढ़ना होगा। और स्किल एनहांसमेंट के अंदर 3 कोर्स सब्जेक्ट जो है नए जोड़े गए हैं, बाकी पुराने हैं, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन ये पुराना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ ये भी पुराना है, रंगमंच भी पुराना है। आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है स्किल एनहांसमेंट में जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं लिया था। अगर तीन सब्जेक्ट की बात करें तो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ये आपका नया सब्जेक्ट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ये भी आपका नया सब्जेक्ट है, और बिजनेस कम्युनिकेशन ये भी आपका नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। फ़र्क बस इतना है कि इन तीनों सब्जेक्ट का अभी तक ना तो सिलेबस है, ना ही मटेरियल है, और ना ही मार्केट में कोई बुक मुझे लगता नहीं अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल होगी तो अच्छी बात है, बाकी आपकी चॉइस है। मैं तो ये कहूँगा उन सब्जेक्ट को लो जिनका मटेरियल अवेलेबल है। वैल्यू एडिशन में आपको एक सब्जेक्ट नया मिलेगा जिसमें 4 पुराने रहेंगे, इंग्लिश आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, देन हिंदी रहेगा आपका भक्ति भारतीय परंपरा मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस का आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, संस्कृत का रहेगा योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, और एक आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कुछ नए सब्जेक्ट है जो कि आपको देखने को इस बार मिलेंगे। आपका बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डिटेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।